what's happening guys, my name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से अपनी Minecraft वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं और वो तेरी भाई साहब क्या शूं करके निकले चपाती भाई मेरे ऊपर से। अरे आज तो मस्ती होगी दुबई सिटी के अंदर। ए चपाती भाई रुक जाओ, कौन है ये देखो आपके पीछे से ही आ रहा हूं। भाई यार आपके अंदर से ये ग्रीन वाले इफेक्ट कैसे निकल रहे हैं? हमारे अंदर इफेक्ट ही इफेक्ट है आज तो, और ऊपर से अगर देखे तो दुबई सिटी क्या ही बस लग रही है ब्रो, एकदम सुपर नाइस। ये चपाती वो ऊपर से पोल्यूशन छोड़ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ। आज मैं गोबर कर रहा हूँ हवा के अंदर। यार पूरी शहर को आपने यहाँ पर पूरा गंदा कर दिया यार, यहाँ पे प्रोटीन का कमाल है, प्रोटीन का लेट्स गो। कौन सा प्रोटीन है भाई, कौन सा प्रोटीन है असली प्रोटीन? तो ये देखो मेरी इन्वेंटोरी के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, लेट्स गो। भाई साहब ऐसा आपने क्या कर दिया यार, डायमंड के बारे में कुछ पहचान नहीं करना। ए भाई भाई डायमंड तो मुझे याद है भाई, मैंने आपसे छीन के रख दिए थे, फिर आप इतना खुश कैसे हो रहे हो भाई? तू ले ले यार वो भिखारी वाले डायमंड, मेरे को नहीं चाहिए। आपको और ज्यादा डायमंड मिले हैं क्या? अरे मेरे को पूरे डायमंड की पूरी माइन मिल चुकी है भाई। ए आपको माइन यहाँ पर कैसे मिली भाई डायमंड की? एक मिनट भाई नीचे आओ जरा, मैं तीर कमा रहा हूं, ट्राइडेंट है भाई मेरे पास, नीचे आओ चपाती भाई। बताओ भाई डायमंड किधर है भाई, मुझे भी माइन चाहिए, मुझे भी डायमंड चाहिए। मैं पागल हूँ ना कि तेरे को बताऊंगा, बेसिकली मैं तो मेरे को माइन मिल चुकी है। अच्छा, और वो माइन है यहाँ पे अंडरग्राउंड बेस के अंदर। अंडरग्राउंड बेस के वे चपाती भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार अंडरग्राउंड बेस के अंदर? मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने डायमंड जो है अपने अंडरग्राउंड बेस के अंदर छुपा दूं। ये गले के अंदर मक्खी अटैक गई क्या, कैसे बोल रहे हो? सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक दूध की बोतल निकालनी है, क्योंकि यार आज भाई साहब कुछ ज्यादा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लेट्स गो। तो फटाफट से ये क्या है? वो ये कौन सी चीज है चपाती भाई? मैंने नया टीवी लिया, तो टीवी करे मोटा मेरे भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर जहाँ तक मुझे पता है टीवी तो वहाँ पर होते ही नहीं है भाई, आपके पास टीवी का रिमोट कहाँ से आ गया? अरे माइनक्राफ्ट के अंदर हम बड़े लोग हैं यार, हमारे घर के अंदर टीवी भी है, फ्रिज भी है, किचन भी है। होगा भाई कुछ बंदा भाई, तेरे से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। डेफिनेटली आपके इन्वेंटोरी में कंपास है भाई, आप ट्रोल कर रहे हो आई थिंक मुझे। चलो एनीवेज यार अपने गोडाउन के अंदर भाई, मेरे को अंडरग्राउंड बेस के अंदर जाना है, अपने अंडरग्राउंड बेस का मतलब ये है कि डायमंड यहाँ पर छुपे हुए हैं। अबे क्या कर रहे हो यार, बताओ ना भाई डायमंड किधर है? इस ट्रैप डोर के नीचे होगा। अच्छा नहीं है अंडरग्राउंड बेस है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरग्राउंड बेस बना के रखा है कहीं ना कहीं। ओ, क्या तूने बना के रखा क्या? अरे नहीं तेरे भाई, मैं क्यों बनाऊंगा भाई यहाँ पर अंडरग्राउंड बेस, मुझे अंडरग्राउंड बेस बना के क्या मिलेगा? मैं जा रहा हूँ आज माइनिंग करने, और आज हम करेंगे खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो जिसके पास सबसे ज्यादा डायमंड होंगे उसको मिलेगा एक प्राइज। मेरे पास ऑलरेडी दो डायमंड आ चुकी है। आपके पास ऑलरेडी दो डायमंड आ चुके, चलो कोई बात नहीं भाई, अपने पास एकदम से सिल्क टच वाला पिकैक्स है। तो एक काम करते भाई, मैं भी यहाँ पर चलता हूँ डायमंड लेने के लिए। और काम करते हैं ब्रोस, मेरे पास एकदम से बढ़िया आइडिया है, अपने पास 9 डायमंड तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं वही वाले डायमंड लेकर आके चपाती भाई को ऐसा बताऊंगा कि मैं और ज्यादा डायमंड बाहर से लेकर आया हूं, उनको कभी पत्ता भी नहीं लगेगा यहां पे। भाई अपना प्लान आज काम आने वाला है यहां पे। तो बिल्कुल मुझे याद है मेरा बेस बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है, तो अभी अगर मैं 2-3 किताबें यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे करूँ तो देयर वी गो, अपना रास्ता एकदम से खुल चुका है। और एक काम करते मैं जल्दी से यहाँ से ऐसे बंद भी कर लेता हूँ, जस्ट इन केस यहाँ पर चपाती भाई कहीं ना आ जाए। रुके किधर है भाई मेरे डायमंड, याद है तो कहीं ना कहीं मैंने बैरल। अबे भाई साहब ये भाई साहब ये पटाखे कहाँ से उड़ रहे हो? नो भाई मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मरने वाला हूँ भाई, किधर है मेरा गोल्डन एप्पल? ये रहा भाई, काम करते हैं यार, मैं पहले यहाँ पर गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ। और ये मेरे घर के नीचे कैसे डायमंड्स पहुँच गए? अरे यार शहर के अंदर धमाके कहाँ से हो रहे हैं? ओ भाई साहब यार इससे पहले की ब्रोज यहाँ पर चपाती भाई आ जाए, पहले मुझे ये सारी फायरिया से हटानी पड़ेगी। मतलब ये यहाँ पर जिंदा है पड़े हुए? तो एक काम करते भाई, मैं ये डायमंड यहाँ पर तोड़ लेता हूँ। भाई साहब यार ये फट कैसे रहे हैं ये डायमंड? मतलब कि मेरे को और विस्फोट करने पड़ेंगे यहाँ पे। कैसा डायमंड है भाई? वाओ भाई साहब ये मेरे घर के नीचे यहाँ पर डायमंड कैसे फट रहे हैं? और भाई साहब यार यहाँ पर इतना ज्यादा फायर भी यहाँ पर, वाओ एक और ले। यार ये कितने खतरनाक है यार, आई थिंक ये वाला शायद असली होगा, अगर मैं ये वाला तोड़ के देखूं तो भाई साहब क्या खतरनाक डैमेज में ले रहा हूँ यार। मेरे को अभी तक लॉगी के मरने का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा यार। और भाई मुझे पता करना पड़ेगा कि ये कैसे डायमंड है, जो किसने रखे हैं, जो ये उड़ते भी हैं। भाई एक काम करता है ये वाला तोड़ के मैं देखता हूँ, ये वाला डेफिनेटली असली लग रहा है। कमोन 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 भाई, मैं इसको तोड़ भी नहीं पा रहा, कमोन टूट जा। नो भाई अब कितनी फायर है भाई, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ, भागो। अभी किधर फंस रहे हो तेरी यार? भाई साहब यार ये कैसा ट्रोल था यार, अगर मैं फिर से नीचे जाके देखू तो ये देखो यार मेरा पूरा घर यहाँ पर उड़ चुका है। हेलो, सारी दीवार भी यहाँ पर फूट चुकी है यार। ये चपाती भाई क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर, और ये डायमंड यहाँ पर कौन रख रहा है भाई?
भाई साहब यार ये एक्सक्लूसिव डायमंड कहां से लेकर आया यार चपाती भाई, काम करते यार मैं पहले चीफ को बताता हूँ कि आपने यहाँ पर इलीगल डायमंड यूज किए। बात सुन, ये देख मैं तेरा मुंह बंद करने के लिए मैं तेरे को एक डायमंड का ओवर दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने सिल्क टच से अपने हाथों से निकाल कर रखा हुआ, ये ले। अच्छा रहने दो भाई साहब, यार ये डायमंड रखने पर भी ये फट कैसे रहे हैं यार? अभी तू अंडरग्राउंड बेस बनाएगा शहर के अंदर है, इलीगल काम करेगा तू। कमल अब आपको पता लग गया, वो देखो आपने सामने भी टेस्टिंग किया क्या? हाँ भाई वो मैंने पूरा यहाँ पर जला कर रखा हुआ भाई, टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्या पता मेरा प्लान फेल हो जाए। आप साहब आपने ओगी का घर भी यहाँ पर जला दिया यार। फिर से अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूं तो बताइए पीछे बताइए बता रहा हूँ। अच्छा अगर मैं यहाँ पर जाकर खड़े हो गया तो एक और ये दो और ये तीन चार, इसका मतलब ये कि भाई आपको मेरे 9 डायमंड भी मिल गए। उठा 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 यार, ये वाला भी ले लो, एक से मैं वैसे भी क्या करने वाला था। चले निकल यहां से, मैं गया। भाई साहब यार चपाती बात तो यार पूरा ट्रोल करके भाग गए, वो देखो जा रहे हैं यार। कोई तो यहाँ पे आया, रहने दो भाई रहने दो यार, चपाती हुआ तो डायमंड लेके टोल करके चले गए। लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी तो गाइस यहाँ पर फिलहाल रात है, एक काम करते हैं मैं अभी जाके सोता हूँ। उसे ढूंढो भाई, ओगी के बो से मारू क्या? डायमंड छुपाएगा अंडरग्राउंड बेस के अंदर, चले गए यार। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल यहाँ पर हो रही है रात, और एक काम करते हैं सुबह मैं आके चपाती भाई को मस्त ट्रोल करूंगा। मुझे तो यार यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चपाती भाई को अभी यहाँ पर ट्रोल कैसे करूँ यार, लिटरली ब्रोस मुझे समझ नहीं आ रहा है। और देख रहे हो यार मेरे टूल्स बिल्कुल आयन के बने हुए हैं यार, एटलीस्ट मेरे पास गोल्ड भी नहीं है। तो एक काम करते हैं डायमंड को फिलहाल यहाँ पर मारते हैं गोली। एक काम करते हैं अभी मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पर माइनशाफ्ट की तरफ, और वहां पर एकदम से सारा गोल्ड मुझे वहां से निकालना है। और मुझे पता है कि ब्रोस माइनशाफ्ट बिल्कुल अपने शहर के इस तरफ बनी हुई है, मुझे याद है यहाँ पर एक बड़ा सा पानी वाला केव बना हुआ है, और उसके नीचे अगर मैं उसी को फॉलो करते हुए जाऊं तो मुझे इवेंचुअली यहाँ पर माइनशाफ्ट भी दिख जाएगी। लेट्स गो और सीधा मुझे जंप मार दिया इसके नीचे। और ब्रोस लकली यार ये वाली माइनशाफ्ट बिल्कुल पानी के नीचे बनी हुई है, तो ऊपर नीचे जाने में एकदम से आसानी यहाँ पर हो जाती है। तो सीधा यहाँ पर जाऊं नीचे, और आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं इसी तरफ जाता रहूं तो ये बोल रही भाई अपनी माइनशाफ्ट, कम ऑन किधर है किधर है भाई, कहीं ना कहीं तो यार यहाँ पर गोल्ड पड़ा ही होगा। भाई मुझे पता है यहाँ पर माइनशाफ्ट के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा ट्रेजर यहाँ पर पड़ा होता है। और एक काम करते हैं पहले मुझे थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर करने के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स भी रखने पड़ेंगे। और तेरी और नाइस, यहाँ पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है तो मैं ये यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। और किधर है भाई, यहाँ पर आयन तो कितने भरी मात्रा में पड़ा हुआ है। काम करते हैं चलो मैं ये सारा आयन पहले यहाँ से उठा लेता हूँ, लेकिन भाई मुझे आयन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर गोल्ड ढूंढना है। कब से ब्रोस इसी सेक्शन में, मैं कब से यहाँ पर माइनिंग कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं। अरे नाइस, यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड यहाँ पर पड़ा है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले मैं ये सारा गोल्ड यहाँ पर उठा लेता हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ, और किधर चला गया यार आधा गोल्ड, तो यहाँ पर नीचे गिर गया। लेट्स गो, यहाँ पर कोने के अंदर एक चेस्ट पड़ा हुआ है, और भाई मुझे पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली माइनशाफ्ट के अंदर डायमंड्स हमेशा मिलते हैं चेस्ट के अंदर। हैंग ऑन अ मिनट, ये क्या चीज है यार यहाँ पर, ये कौन सी चीज है यहाँ पर? स्टिकी मैकेनिकल पिस्टन, क्रिएटिव मॉनिटर पिस्टन, और ये सुपर ग्लू, ये माइनक्राफ्ट में ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? अगर मैं ये सारी चीजें उठा के देखूं तो पता नहीं यार ये कौन सी चीजें हैं, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा भी है यहाँ पे। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे दबा के देखूं तो भाई साहब ये क्या चीज है? ओए तो यहाँ पर बोल के रखा है कि अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक रखूंगा इस पिस्टन के सामने तो ये ब्लॉक्स को आगे पीछे कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मोशन में। यार ये वाली चीज तो बहुत ज्यादा कूल है यार। एक काम करते हैं पहले मैं इसको वापस दुबई सिटी में ले चलता हूँ। लेट्स गो यार, मुझे ब्रोस पहले यहाँ पर पता लगाना है कि ये स्टिकी पिस्टन से और ये ग्लू से एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, और मुझे ध्यान रखना है कि कहीं कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले, क्योंकि आई थिंक ये आइटम शायद इलीगल भी हो सकती है, क्योंकि भाई ये वाली आइटम्स मैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट में पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं दुबई सिटी में ये सब टेस्ट नहीं करते, काम करते हैं इसको मैं सीधा ले चलता हूँ यहाँ पर बाहर, और बिल्कुल दूर जाके मुझे ये चीजें यहाँ पर टेस्ट करनी है और पता लगाना है कि इससे एक्चुअली होता क्या है। ओके आई थिंक ये एकदम से परफेक्ट जगह टेस्ट करने की। तो अभी अगर मैं फिर से इसका मॉनिटर यहाँ पर खोल के देखूं तो ये यहाँ पर बता रहा है कि मुझे पिस्टन रखना है, उसके पीछे जाएंगी वो अजीब सी डंडियां, और फिर आगे से ये ब्लॉक यहाँ पर आगे करेगा। ओके तो एक काम करते हैं इसको मैं पहले ऐसे माउंटेन के अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी अगर ये वाला पिस्टन मैं लगाऊं ऐसे, और अभी अगर मैं इसको ऐसे चला के देखूं तो अभी ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे नंबर यहाँ पर लगे हुए हैं? अगर मैं इसको ऊपर, वो भाई साहब कितना कूल लग रहा है यार ये, भाई इसे कैसे मोशन में यहाँ पर कैसे ब्लॉक कर ऐसे ऊपर किया। अगर मैं इसको ऐसे नीचे करके देखू तो यो कितना कूल है यार ये। तो यार ये वाली मशीन तो यार वाकई बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन मुझे ऑल्सो जानना है कि ये बाकी वाली चीजों से यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है सुपर ग्लू। ओके तो आई थिंक
ये सुपर ग्लू मैं यहाँ पर यूज कर, तेरी भाषा इसको क्या हो रहा है भाई, ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया भाई, पीछे से हटिया से यार। तो एनीवेज मैं यहाँ पर बोल रहा था कि सुपर ग्लू से यहाँ पर क्या होता है, अभी अगर मैं इसका से क्लिक करके देखूं तो वो भाई साहब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अनजान से और ज्यादा ब्लॉक आ चुके हैं, अभी अगर मैं इनको सबको ऐसे क्लिक करके देखूं तो क्या ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ज़ॉम्बी हटना यार यहाँ से। तो अभी अगर मैं इन सबको ऐसे ग्रीन वाले सेक्शन में अगर ऐसे क्लिक करके देखूं इनके साथ आई थिंक ये कनेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, तो अभी अगर मैं इनको भी यहाँ पर प्रेस करूं और अभी अगर मैं ऐसे मशीन चला के देखूं तो वो, तो जो ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर ग्लू करके रखे हैं वो भी साथ में यहाँ पर ऊपर हो रहे हैं। ओके, ये वाली मशीन के लिए गाइस एक सब्सक्राइब का बटन तो यहाँ पर बनता ही है, और वाकई यार बताना पड़ेगा ये वाली मशीन बहुत ज्यादा कूल है। इस मशीन को देखते से ब्रोस मेरे पास एकदम से बढ़िया वाला आइडिया आया है, क्यों ना मैं ये वाली मशीन यहाँ पर यूज करके चपाती भाई को यहाँ पर ट्रोल करूं। भाई एकदम से बढ़िया वाला आइडिया यार ये। तो एक काम करते गाइस, चपाती भाई ने मेरा घर यहाँ पर तोड़ा, अभी मैं उनके घर के साथ यहाँ पर ट्रोल करूंगा। तो एकदम से यार मशीन तो मेरे हाथ के अंदर आ चुकी है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यही मशीन यूज करके मैं उनका घर सीधा आसमान में भेज दूं। यार एकदम से बढ़िया वाला आइडिया है, लेकिन इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे घर के अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा और ये वाला पिस्टन मुझे सेटअप करना है, और आई थिंक ये वाली जगह एकदम से बढ़िया यहाँ पर होगी। तो ब्रोज मैंने बिल्कुल यहाँ पर सीट्स के नीचे यहाँ पर सारा पिस्टन यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, मैंने साथ में यहाँ पर पूरा घर भी, ये देखो पूरा मैंने यहाँ पर सारा ग्लू करके रखा हुआ है। तो जरा मैं फिर से यहाँ पर चेक कर लूँ, तो ये वाली जगह भी सिलेक्टेड है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, और ऊपर तो गाइस मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ये नीचे वाले ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे ऊपर वाले तो ऑब्वियसली यहाँ पर मूव करेंगे। तो एकदम से अभी गाइस ये प्लान एकदम से काम कर रहा है, और एक काम करते हैं मैं जल्दी से यहाँ पर हल्का सा टेस्ट भी यहाँ पर कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं ऐसे टेस्ट करके देखूं, एक काम करते ज्यादा नहीं करते ताकि कोई यहाँ पर देख ना ले, एक काम करते हल्का सा मैं यहाँ पर करता हूँ। तो अभी अगर मैं ये ऐसे दबा के देखूं तो वो देख रहे हो ब्रोस खिड़की से कैसे घर अपना ऊपर यहाँ पर जा रहा है, लेकिन कहीं ज्यादा ऊपर यहाँ पर ना चला जाए। एक काम करते हैं पहले मैं मशीन को यहाँ पर फिर से नीचे ले आता हूँ भाई यहाँ पर। ओके देयर वी गो, और आई थिंक ब्रोस अभी इस वीडियो में भी इतना ही काफी है। तो यार अगर गाइस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलें, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।